अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो बच्चों आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज मैं आपको मिक्स वेज मटन कीमा ठंडियों में बनने वाला बताने जा रही हूँ, जो बहुत लजीज बनता है और इस ठंडियों में ही उसका स्वाद आता है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये कीमा उबाल लेते हैं। पहले आधा किलो कीमा लिए हैं। ये आधा किलो कीमे में डालने के लिए दो प्याज लिए हैं, कट कर लिए मोटी मोटी, और कुछ थोड़ा खड़ा गरम मसाला है, तेज पत्ते, दो बड़ी इलायची, ये दालचीनी और चार पांच लौंग, और थोड़ा इसमें तेल डालेंगे, 2-3 टीस्पून अंदाज से, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1-1.5 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी, और आधा किलो के लिए ये 1 टीस्पून भर के नमक, थोड़ा सा पानी डाल करके इसको कुकर को बंद करके उबाल लेंगे। कीमा उबालने रख दिए हैं, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अब ये बनाने के लिए कीमा, इसमें तेल डाल लेते हैं 1 कटोरी लगभग। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें ये दो प्याज का जो पेस्ट बनाकर रखे थे वो डाल देंगे, और 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, थोड़ी हल्दी, और ये टमाटर डालकर इसको भूनेंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छे से घुल जाए। अदरक लहसुन के साथ टमाटर भूनते हैं तो अच्छा घुल जाते हैं इसमें, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। और नमक तो इतना डाले हैं अपन ने कि मतलब कीमे में भी नमक है। अब मसाले में अपने हिसाब से डाल दिए, 1 टीस्पून डाली हूँ ऐसे मैंने इसमें। चलो सर, देखिए अब ये मसाला अदरक लहसुन का प्याज का भूनते आ गया है। अब इसमें देखिए मसाला ये भूनते आ गया है, करीब करीब भून गया है ये। अब इसमें मिर्ची धनिया वगैरह डालेंगे। इसमें मैं ये 3 टीस्पून मिर्ची डाल रही हूँ, लाल मिर्च। तीन टीस्पून लाल मिर्च डाली मैंने, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालना। वैसे ये वेज कीमा जो है इसमें थोड़ी सी चटपटा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। और ये 2 टीस्पून धनिया डालूँगी, धनिया पाउडर। अब ये मिर्ची भी थोड़ी भूनते आ गई है तो इसमें मटर, ये गोभी डाल देंगे। ये ठंड का मौसम आ गया है, और ये ठंड का मौसम जो है सेहत बनाने का है बच्चों। अच्छा अच्छा सब हरी सब्जियां और हर चीज़ में इस मौसम में टेस्ट बहुत फुल रहता है, और ये मौसम में जो सेहत बनती है वो साल भर काम आती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें खाओ इस मौसम में, सब सब्जियां अलग अलग तरह से बनाकर खाना। थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे, मसाला चिपक रहा है, थोड़ा 5 मिनट इसको पकाएंगे ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर। अब ये 5 मिनट भुन गया है, गोभी तो 50% गल गई है इसमें, और कुछ मेथी डालने में उसमें भुन जाएगा। ये 1 पाव मेथी ली हूँ मैंने, मेथी की भाजी बारीक बारीक काट कर, इसके ज़्यादा डंठुल नहीं लेना, जो सामने की रहती है हरी हरी भाजी बस वही लेना। और इस सब्ज़ी का स्वाद ये इसी मौसम में आता है, फुल स्वाद आता है इसमें। ये बना तो कभी भी सकते साल भर में आप, लेकिन इस मौसम में जो स्वाद आता है वो फिर नहीं आ सकता बाद में। अब थोड़ी देर भुनेंगे इसको, 5-7 मिनट।
देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ये मेथी और सब सब्जियों की, इसमें बहुत लाजवाब बनता है ये कीमा। थोड़ा सा 2 मिनट और भूनेंगे फिर इसमें कीमा डाल देंगे अपन। इस उबलने में इस कीमे में थोड़ा पानी भी आया है, लेकिन अपन अभी पानी नहीं डालेंगे, कीमे को ऐसे ही भूनेंगे इसमें। थोड़ी आँच तेज़ कर लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, इसकी खुशबू भी लाजवाब है बहुत। आप इसको बनाकर खाओगे तो मुझे याद ज़रूर करोगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ा इतना पानी था तो इसको तो अब भूनने के बाद डालते हैं। डालते टाइम दिखा, इसको 5 मिनट भूनेंगे अपन। अब इसमें जो ये पानी था इसका कीमे का उबला हुआ ये भी डाल देंगे। यहाँ पर आप थोड़ा नमक भी टेस्ट कर लेना। परफेक्ट खाना बनाना है तो नमक 2-3 बार भी टेस्ट करोगे आप तो चलेगा। नमक टेस्ट करते हुए खाना जो बनाते हैं उनका खाना बहुत परफेक्ट बनता है। बहुत सही है नमक, यहाँ पर मेरे को डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लाजवाब टेस्ट है इसका। हमारे एक व्यूअर ने, उनकी मम्मी का अभी अभी इंतकाल हुआ है तो दुआ के लिए कहा था हमसे, तो मैंने उसी दिन उनके लिए दुआ की थी। अल्लाह उनकी मम्मी को जन्नत नसीब करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब ये 5 मिनट पक जाएगा, फिर अपन गरम मसाला और डालेंगे धनिया। ये बन गया है, इसमें धनिया और थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून। गोभी भी गल गई है अच्छे से, बस अब ये गरम मसाला डालें इसलिए थोड़ा 2 मिनट और पकने देंगे इसको, फिर बंद कर देंगे। देखिए अब ये तैयार हो गया है पूरा, गैस बंद कर दी हूँ मैंने। चलिए इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है ये। और इसमें जो गरम मसाला मैंने डाली हूँ उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।